नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएनआई न्यूज। जेएनआई न्यूज में आप सबका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर बरेली से आ रहा है। आपको बता दें, बरेली पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, विपक्ष पर जमकर साधा निशाना। आपको बता दें, कड़ी सुरक्षा के बीच जनसभा को संबोधित किया। शाहजहाँपुर में सभा को संबोधित करने के बाद करीब 4:30 बजे बरेली पहुंचे। उनकी सुरक्षा में कड़े इंतजाम किए गए। मुख्यमंत्री पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ता व पदाधिकारी ने उनका जोरदार स्वागत किया। सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि भारत की अपनी अलग पहचान बन गई है। अब अगर किसी देश पर संकट आता है तो अन्य देश भारत से काफ़ी उम्मीदें करते हैं। हमारा देश उनकी मदद करता है। आज भारत वैश्विक शक्ति के रूप में उभरा हुआ है। कहा कि भारत में 9 साल पहले अपनी पहचान के लिए मोहताज था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद देश में बदलाव आ चुका है। उत्तर प्रदेश का युवा अगर कहीं और जाता तो उनके बारे में अन्य देश की बहुत ही गलत भावना रखती थी, लेकिन अब ऐसे नहीं है। सब कुछ बदलाव बीजेपी सरकार ने लाया है। आखिर योगी आदित्यनाथ जी ने क्या कहा, आइए देखते हैं। बरेली मंडल ब्यूरो चीफ राजकुमार कश्यप की इस खास रिपोर्ट में। बेहतरीन उपयोग हम कर सके, इसके लिए आज भारतीय जनता पार्टी आपके पास है, आपके सामने है। और भारतीय जनता पार्टी ने नगर निगम बरेली से डॉक्टर उमेश गौतम को एक बार फिर से अवसर देकर के महापौर पद के प्रत्याशी के रूप में उतारा है। नगर पालिका बहेड़ी में श्रीमती रश्मि जायसवाल को अपना प्रत्याशी बनाया है। नगर पालिका आंवला में श्री संजीव सक्सेना, नगर पालिका फरीदपुर श्री ब्रह्मा चंद्र गुप्त, नवाबगंज श्रीमती प्रेमलता राठौर, देवरनिया में उमाकांत गंगवार, फतेहगंज पश्चिम में श्रीमती प्रीति अग्रवाल, फतेहगंज पूर्वी श्री प्रदीप अग्रवाल, विशारदगंज श्री महेश साहू, मीरगंज श्री योगेंद्र गुप्ता, शेरगढ़ श्री बुद्धिसेन मौर्य, शीशगढ़ श्रीमती रुही प्रवीण, तरियानिया चावल